उत्तराखंड के सबसे पुरानी ऐतिहासिक अल्मोड़ा जेल अब सुरक्षा व्यवस्था के मामले में और चाक चौबंद होने जा रही है। दरअसल इस जिला कारागार में सुरक्षा कर्मियों के साथ अब सीसीटीवी कैमरे भी कैदियों पर नजर रखेंगे, जिसके लिए 86 लाख रुपए का आंगणन भी भेज दिया गया है। अल्मोड़ा जेल का इतिहास बेहद शानदार रहा है। जेल की स्थापना 1872 में अंग्रेजों ने की थी। इस जेल से ही स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बनाई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 2 बार इस जेल में लाया गया था, जबकि पंडित गोविंद बल्लभ पंत, खान अब्दुल गफ्फार खान समेत कई 776 स्वतंत्रता सेनानी इस जेल में रहे थे, जिन्होंने आजादी की रणनीति बनाई थी। वहीं अब अल्मोड़ा जेल अधीक्षक जयंत पांगती ने बताया कि लोक निर्माण विभाग बाजपुर सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। फिलहाल जेल की सुरक्षा के लिए कैमरों की संख्या बढ़ानी है। इसके लिए कार्यदायी संस्था जेल का निरीक्षण कर एक बार और आंगणन बनाएगी, जिसके बाद जेल की सुरक्षा सीसीटीवी के हवाले होगी। जिला कारागार अल्मोड़ा में भविष्य में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने जाने के लिए कार्यदायी संस्था नामित कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग बाजपुर जिला उधम सिंह नगर को इसमें नामित किया गया है और ये करीब 86 लाख का एक प्रोजेक्ट एक लागत बताई गई है इसकी, और इसमें जो वहाँ के अधिशासी अभियंता है उनके द्वारा कारागार पूरे कारागार परिसर का बैरिकों का भ्रमण किया गया है और महानिरीक्षक कारागार महोदया द्वारा इसमें एक आदेश दिया गया है कि इसमें कारागार का संपूर्ण जो क्षेत्र होगा वो उसमें आच्छादित रहना चाहिए। तो उसमें जो पूर्व में जो इसका आकलन गया है तो उसमें सभी क्षेत्र जो हैं आच्छादित नहीं है, जैसे महिला बैरिक हैं, गोदाम हैं और प्रशिक्षण केंद्र हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।